बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हेबियस कॉर्पस, हबसे भेजा में जिसको रखा जाता है इलीगल एंड इम्प्रॉपर डिटेंशन में। इसके साथ सेक्शन 491 CRPC जो है ना वो डील करता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, और ये एक बहुत ही समरी प्रोसीडिंग होती है, यानी कि फ्यू डेट्स लगती हैं, शॉर्ट प्रोसीडिंग होती है, कोई लंबी चौड़ी डेट्स नहीं डलती हैं, और डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है सूट को, ठीक है। उसके बाद जो है ना इलीगल डिटेंशन बाय पुलिस होता है। अगर पुलिस ने किसी बंदे को इलीगल डिटेन किया हो तो इसकी हम पटिशन जो है दो आपको पटिशन ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा, एक जो पुलिस ने किया होता है, दूसरा जो है ना इसका तरीका है किसी बच्चे को जो है ना कोई वालिद ले छीन के ले गया, बहुत ही छोटा सा बच्चा है, तो माँ जो है ना 491 के तहत जो है ना वो ये पटिशन दायर कर सकती है। ये दो पटिशन मैं आपको ड्राफ्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसके डिटेल बता देता हूँ। इलीगल डिटेंशन बाय पुलिस, इसका मतलब ये होता है, ये हैबियस कॉर्पस जो है ना एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है यू मे हैव द बॉडी, आपके पास बॉडी हो सकती है। इसका डायरेक्शन बाय द, इसका पर्पज़ होता है ना, डायरेक्शन होता है हाई कोर्ट का, ये इसका पर्पज़ होता है कि कोर्ट से डायरेक्शन लेके उस बंदे को बाजियाब कराया जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 10 कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है इस बंदे को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि जब भी पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसकी ड्यूटी होती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर तो कोर्ट के पेश करें, लेकिन यहाँ पे गिरफ्तारी डाल देते हैं, तीन चार दिन जो है पुलिस पेश ही नहीं करती और थाने में मारती रहती है, टॉर्चर करती रहती है, और बाद में जब कोई पटिशन लेके जाता है तो फिर कोर्ट जो है ना उसको फिर जो है ना पुलिस जो है ना उसको कोर्ट में लेके जाती है। तो इसके बाद आफ्टर 24 आवर्स जो है ना डिटेंशन जो होगी ना वो इलीगल हो जाएगी, ठीक है। 24 घंटे के अंदर 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 जो है ना उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ इम्प्रॉपर डिटेंशन क्या होती है। इम्प्रॉपर होती है कि कोई भी अगर वालिद जो है ना अपने बच्चे को उठा के ले जाए अपनी माँ से, अपनी माँ के पास से, जो कि उसकी लीगल गार्डियन है, जैसे कि छोटा सा बच्चा है, 1.5 साल का है, 1.25 साल का है, सकलिंग बेबी, दूध पीने वाला बच्चा और टेंडर एज, बहुत ही छोटी एज है उसकी फॉर माइनर ऑफ गार्डियन, ये उसका जो है ना इम्प्रॉपर डिटेंशन होगी। ये इलीगल डिटेंशन नहीं होगी, इलीगल तो नहीं है ना, बाप अगर ले जाएगा तो वो इलीगल तो नहीं होगा, वो इम्प्रॉपर होगा। अगर उसको कोई चाचा मामा ताया ले जाएगा वो इलीगल होगा, अगर बाप ले जाएगा तो वो इम्प्रॉपर डिटेंशन होगी। तो ये इलीगल और इम्प्रॉपर डिटेंशन में जो है ना ये फ़र्क होता है। अब जो है कि इम्प्रॉपर डिटेंशन कोर्ट विल गिफ्ट कस्टडी टू लॉफुल गार्डियन, तो उसको दे देगी लॉफुल गार्डियन है जिसको जो कोर्ट गार्डियनशिप कोर्ट ने जो है ना गार्डियन कोर्ट ने जो है ना उसको कस्टडी दी हुई थी और उसका बाप जो है ना वो छीन के ले गया था, तो फिर जो है ना वो कोर्ट जो हाई कोर्ट जो है ना इसे 491 के तहत जो है ना उस माँ को बच्चा दे देगी। अगर गार्डियन कोर्ट ने उसको कस्टडी दी हुई थी तो वो परमानेंट थी, तो यहाँ पे वो परमानेंट कस्टडी को लेके परमानेंट कस्टडी से जो है ना बाप लेके चला गया तो फिर जो है ना उसको दे देगी। अगर वो कस्टडी उसकी माँ के हवाले नहीं थी तो फिर भी बच्चा जो है ना वो 7 साल तक माँ बाप नहीं रख सकता, और टेंडर एज में तो वैसे ही नहीं रख सकता, तो फिर जो है ना कोर्ट उसको लाजमी सकलिंग बेबी को माँ के हवाले ही कर देती है। लड़का जो है 7 साल तक और लड़की 14 साल तक जब तक बालिग नहीं होती वो माँ के पास रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है जी इन कोर्ट मैरिज केसेस में भी ये फाइल हो जाता है, मतलब जब एक किसी ने कोर्ट मैरिज कर ली है लड़की लड़के ने, तो उसके बाद लड़की के घर वाले लड़की को ले जाते हैं, तो अब लड़का जो है वो अदालत में जाके ये पटिशन फाइल कर सकता है कि इन्होंने मेरी बीवी को हबसे भेजा में रखा हुआ है, ठीक है। तो हबसे भेजा की जब पटिशन दायर करेगा तो कोर्ट सारा कुछ देखने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर देगी सूट को, और बीवी को जो है ना अगर बीवी कहेगी कि हाँ मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ, मैंने निकाह किया हुआ है, तो फिर कोर्ट जो है ना तो उसको भेज देगी उसके साथ और बीवी उसके साथ चली जाएगी। तो इसमें भी पहले आपको बता दिया मैंने, पुलिस अगर किसी बंदे को डिटेन किया हो तो पिटिशन दायर की जा सकती है, दूसरा बच्चे अगर किसी छोटा बच्चा जो है 1-2 साल का है तो माँ से छीन के बाप ले गया या उसका कोई और रिश्तेदार ले गया बाप का, तो फिर माँ जो है पिटिशन दायर कर सकती है। और तीसरा कोर्ट मैरिज में जो है ना अगर बीवी जो है चली गई है, अब घर वाले ले गए हैं बीवी को लड़के की, तो वो लड़का जो है वो भी पिटिशन दायर कर सकता है। अब इसके फोरम्स कौन कौन से हैं, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, और हाई कोर्ट ने जो है ना वो डेलीगेट कर सकती है पावर्स टू सेशन एंड एडिशनल सेशन जज। बटन इतना ज़्यादा हो गया केसेस का, तो हाई कोर्ट ने जो है ना
पावर डेलीगेट कर दी है सेशन और एडिशनल सेशन जज को, और मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 100 सीआरपीसी सर्च वारंट जारी कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो ये हैं कि एक सर्वेंट को किसी मालिक ने कैद किया हुआ है, और भट्टा मुलाजमीन पे आपने सुना होगा, वो भी इन पे बड़े केसेस चलते थे, तो वो ये सारे जो है ना ये हैबियस कॉर्पस के रिट फाइल कर सकते हैं। और एनी पर्सन इज़ मिसिंग और इलीगली डिटेन, कोर्ट फिर जो है ना सारा कुछ देखेगी, उनको बुलाएगी, तो फिर उसके बाद जो है ना उसको कहेगी सेट एट लिबर्टी और कि उसको जाने दो, आपने इसको इलीगली डिटेन किया हुआ था। तो आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना पाकिस्तान, वो भी डिटेल करता है, डिटेल सिर्फ प्रोसीजर है, बट फॉर द कस्टडी ऑफ 491 सीसी। अगर किसी ने डिटेल्स के साथ प्रोसीजर को फॉलो करवाना है, कि डिटेल से को बंदा चाहता है कि डिटेल से देखे, कोर्ट जो है वो डिटेल से इस पूरे केस को देखे, तो फिर वो 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो है ना वो कस्टडी और जो है उसको इलीगल हैबियस कॉर्पस की रिट पटिशन जो है ना वो फाइल की जाएगी, हैबियस कॉर्पस की जो है ना वो पटिशन फाइल करेगा। अगर कोई समरी ट्रायल छोटा मोटा करने फौरी चाहिए या अर्जेंसी के लिए जो है ना 491 सीआरपीसी के लिए चाहिए होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट के लिए सेशन हो तो विद इन हाई कोर्ट होता है, ठीक है, हाई कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। और ऑर्डर क्या कर सकती है इसमें कोर्ट, इसमें कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि फलाने बंदे को ब्रॉड बिफोर द कोर्ट एंड डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू लॉ। ऑर्डर ये करेगी कोर्ट के ब्रॉड बिफोर द कोर्ट एंड डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू लॉ, इस बंदे को अदालत के सामने पेश किया जाए। अगर इसने कोई जुर्म किया है तो FIR काटनी चाहिए थी ना, पुलिस को चाहिए था। अदालत ये कहती है अगर इसने वाकई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस ने उसको रखा हुआ है, तो फिर अगर जुर्म किया है उस बंदे ने तो फिर FIR क्यों नहीं काटी? खाली इलीगली डिटेन करने का क्या मकसद होता है? वो तो फिर टॉर्चर करना ही होता है ना, मकसद होता है उनका। तो फिर कोर्ट कहती है अगर इसने नहीं किया हुआ कोई जुर्म तो इसको फिर रिहा करो। जब सारा कुछ केस देखते हैं अदालत, सारे वो एविडेंस वगैरह कोई नहीं है इसके खिलाफ, तो फिर अदालत जो है ना उसको सेट एट लिबर्टी का जो है ना ऑर्डर जारी कर देती है। अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस आ जाती है तो फिर जो है फिर आगे केस चलता है पूरा, फिर उसको नहीं होगी। जब उसके एविडेंस नहीं है और पता चले इसने कुछ भी नहीं किया हुआ, पुलिस ने वैसे इसको हिरासत में रखा हुआ है, तो फिर जो है ना कोर्ट उसको रिहा करने का ऑर्डर जारी कर देगी। अब इसके बाद जो है ना हम दो केसेस देखते हैं, एक में एक बंदे को जो है डिटेन किया था पुलिस ने, और एक ने माँ से छीन के जो सकलिंग बेबी था तो वो जो है बाप ले जाता है। अब ये एक हैबियस कॉर्पस पिटीशन है, इसका नंबर लिया जाता है, कौन सा ईयर था सारा कुछ, तो पिटीशन नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद एक औरत है हुमैरा, डॉटर ऑफ रजब दीन और रेजिडेंट ऑफ DHA लाहौर, पिटिशनर है, वर्सेस स्टेशन ऑफिसर SHO, और ये अरहम खान जो है ना ये रिस्पोंडेंट है, इसका हस्बैंड है। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखना है पिटिशनर अंडर सेक्शन 491 फॉर रिकवरी ऑफ डिटेनिंग मैन नेमली आसिम, जो कि बेटा है इसका 2 साल से छोटा है, सन ऑफ पिटिशनर, फ्रॉम इलीगली कस्टडी ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर टू। इसके खिलाफ जो है ना इसने इलीगली डिटेन किया हुआ है उसको। अब उसके बाद सारे आगे फैक्ट्स बयान किए जाते हैं, ये आपको मैंने उस लेक्चर में बताया था कि कैसे वो फैक्ट्स, पहले फैक्ट्स होते हैं उसके बाद सारा कुछ बताया जाता है। सबसे पहले फैक्ट्स बताए जाएंगे, सबसे पहला फैक्ट है दैट द मैरिज सेरेमनी ऑफ द पिटिशनर वाज ऑर्गेनाइज्ड विद रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2, तो कॉपी ऑफ निकाहनामा ये है, तो इन दोनों की शादी हुई, दैट दो द इंस्टेंट कंप्लेंट, इस डेट को शादी हुई, सारा को निकाहनामे कॉपी साथ अटैच कर दी गई है। इंस्टेंट कंप्लेंट द पिटिशनर हम्बली सीक्स इंटेलिजेंस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट फॉर इशुएंस ऑफ डायरेक्शन फॉर रिकवरी ऑफ हर रियल सन फ्रॉम इलीगल कस्टडी ऑफ कन्फाइनमेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2, द डिटेल ऑफ डिटेनी एंड प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट हैविंग गिवन। तो ये सारी इसने दे दी है, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्या एज है, सकलिंग बेबी है और उसके कब पैदा हुआ है, 1-1.5 साल का बच्चा है ये। एबडक्टर जो है ना रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है ना ये इसका एबडक्टर है, यानी कि जो बाप है वो इसको उठा के ले गया था, वो एबडक्टर है। प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट जो है ना ये हाउस नंबर जो है ना जहाँ पे उसने रखा हुआ है, उसके बाप ने बच्चे को जहाँ पे रखा हुआ है, ये प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट है। उसके बाद आगे फैक्ट है जी, द स्टेटेड दैट फैक्ट्स गिविंग राइज टू फाइलिंग द इंस्टेंट कंप्लेंट आर दैट द पिटिशनर वॉज मैरिड टू रिस्पोंडेंट नंबर 2, उसके रिस्पोंडेंट नंबर 2 से शादी हुई, एट द टाइम ऑफ मैरिज ह्यूज डॉवरी आर्टिकल्स ऑफ द मोर देन 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा जो है ना रिस्पोंडेंट नंबर 2 को उसकी डिमांड के मुताबिक जहेज दिया गया। मदर ऑफ द पिटिशनर प्रोवाइडेड ऑल एसेसरीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, सारी मदर जो है पिटिशन बीवी की जो है, यानी कि जो औरत है जो पिटिशन फाइल कर रही है उसकी बीवी ने, उसकी माँ ने जो है, यानी कि मदर ऑफ द पिटिशनर, मदर जो है ना पिटिशनर की मदर ने जो है ना, यानी कि लड़के की सास ने उसको सारी एसेसरीज दी मॉडर्न लाइफ की, तो क्या कि वो अच्छी मेटेरियल लाइफ स्टार्ट कर सके।
और उनमें से एक बच्चा जो है ना आसिम वो पैदा हुआ, निकाह नामा इन्होंने जो सारा कुछ है ना वो साथ अनक्षर कर दिया कि निकाह नामे को। उसके बाद तीसरा पॉइंट बताते हैं कि दैट इज इरिस्पॉन्सिबल। इसमें मैंने आपको पहले बताया था जो फैक्ट पहले होगा उसको पहले लिखेंगे, जो उसके बाद होगा उसको बाद में लिखेंगे। अब सबसे पहले तो सारी बात है निकाह हुआ था, ये निकाह लिखा, उसके बाद ये बच्चा लेके चला गया, उसके बाद बताया जी कि सारा कुछ शादी के में ये हुआ और ये चीज़ें दी, उसके बाद बताया कि बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल बंदा था इसका जो हस्बैंड है। द पटिशनर ऑलवेज फेल्ट एबनॉर्मलिटी एंड हार्शनेस, वो एबनॉर्मल लगता था उसको इन द लैंग्वेज बोलने में एंड मूवमेंट बिहेवियर द बिहेवियर ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर टू, ठीक है, टूवर्ड्स हर एंड बट शी बोर ऑल द बिटरनेस ऑफ कीप बिटरनेस टू कीप द टाई ऑफ दिस स्केयर रिलेशनशिप फॉर द सेफ्टी एंड बेटरमेंट ऑफ माइनर, ठीक है। तो ये माइनर की सेफ्टी के लिए जो है ना ये सारा कुछ वो बर्दाश्त करती रही ताकि जो है इस माइनर की जो है ना वो फलाह बहबूद अच्छे तरीके से हो सके। तो ये सारा कुछ ने क्या कि सारे बिटरनेस हार्शनेस और पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करती रही। तो आप फिर उसके बाद कहते हैं जी दैट फ्यू वीक्स, अगर कुछ वीक्स पहले रिस्पोंडेंट नंबर टू जो कि उसका हस्बैंड है किक्ड आउट द पटिशनर एज वेल एज द माइनर, और उस पटिशनर और माइनर को जो है उसको उसने निकाल दिया घर से, ठीक है, एज वेल एज द माइनर फ्रॉम द हाउस एंड द पटिशनर टुक शेल्टर एट द हाउस ऑफ हर मदर अलॉन्ग विद हर माइनर सन, और उसने बाप बच्चे के बाप ने अपनी बीवी को और बच्चे को घर से निकाल दिया और लड़की जो है ना वो अपनी माँ के घर आ गई है। फिर द पटिशनर एज वेल एज हर फैमिली मेम्बर्स ट्राई टू लेवर बेस्ट टू लेट द पटिशनर लिव इन हिज हाउस बट उसने इनकार कर दिया, और लड़की घर वाले ने काफ़ी कोशिश की है कि वो उसको मनाएं कि तुम दोनों आराम से रहो ठीक रहो, लेकिन फिर जो है ना उसने रखने से ही इनकार कर दिया जो उसका हस्बैंड है। उसके बाद कहती है अगला फैक्ट बयान करती है लड़की पटिशनर जो है एक्टिव कन्वेंस एंड हेल्प द ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड टुक द माइनर विद हिम इलीगली इम्प्रॉपरली एंड फोर्सिबली, तो उसको ज़बरदस्ती छीन के ले गए। सब्सिक्वेंटली द पटिशनर एंड हर फैमिली ट्राइड द बेस्ट रिजॉल्व द मैटर एमिकेबली, और उसने बहुत कोशिश की दोबारा में लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद कहते हैं दैट द रिस्पोंडेंट नंबर टू जो आदमी है लड़की का हस्बैंड है हैज़ थ्रेटन्ड द पटिशनर कि अगर उसने वो धमकी दी पटिशनर को दैट दे वुड फेस डायर कंसिक्वेंसेज एंड रिस्पोंडेंट नंबर टू नेवर लेट द पटिशनर टू सी हर माइनर चाइल्ड, उसको कहा कि अब तुम्हें मैं कभी जिंदगी से बच्चे को नहीं मिलने दूंगा। फिर उसके बाद अगला फैक्ट है दैट द माइनर इज 1 and 8 ईयर्स ओल्ड, पौने 2 साल का बच्चा है। द माइनर इज टेंडर एज एंड सकलिंग भी दूध पीने वाला बच्चा जो अपनी माँ के बगैर नहीं रहता है ड्यू टू स्टैंडर एज ऑफ माइनर ओनली पटिशनर हैज द राइट ऑफ हजानत ऑफ हिज माइनर, तो सिर्फ पटिशनर जो माँ जो है ना वो माँ के बगैर नहीं रहता तो इसलिए माँ जो है ना वो इसकी हजानत की जो है वो कस्टडी की जो है वो हकदार है। उसके बाद अगला फैक्ट है दैट इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसिस द डिटेनी माइनर चाइल्ड कैन नॉट बी लेफ्ट विदाउट हर रियल मदर ड्यू टू इलीगल इम्प्रॉपर एंड अनलॉफुल एक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर टू हेल्थ एंड मेंटल कंडीशन ऑफ माइनर इज डिटरिंग डे बाय डे। अब यह कि बच्चे की सेहत दिन ब दिन ख़राब हो रही है और इसकी जो है ना रियल मदर जो है ना वो उसके बगैर नहीं रहता, वही हकदार है इसकी, तो इसलिए लिहाजा जो है ना इसको हमने आगे बताना है कि इसको दिलाया जाए। उसके बाद है कि दैट द डिटेनिंग माइनर चाइल्ड इज नॉट रिलीज एंड हैंडेड ओवर द पटिशनर देयर इज सीरियस अप्रिहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ को खतरा हो जाएगा अगर ना दिलाया गया। दैट द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस इज इट इज़ नेसेसरी दैट डायरेक्शन मे बी इशूड फॉर रिकवरी, और उसको डायरेक्शन दी जाए। उसके बाद आगे आता है कि द रिस्पोंडेंट नंबर टू हैज़ कन्फाइंड द डिटेनिंग इज इलीगल कन्फाइंड कस्टडी विद द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द टेरिटोरियल लिमिट्स आ रही है उसकी, तो इसलिए जो है ना ये केस बनता है। दैट द देर इज़ नो अदर स्पीडी एफेक्शियस रेमेडी अवेलेबल टू द पटिशनर, और इसके अलावा कोई और जो है ना स्पीडी रेमेडी नहीं है क्योंकि ये अर्जेंसी के लिए 491 जो है ना ये हमेशा दायर की जाती है किसी को अर्जेंट रिकवर कराना हो। अगर किसी को डिटेल प्रोसीजर पूरा प्रोसीजर केस सुना तो फिर 199 फॉर डिटेल के लिए ना केस के लिए होता है, 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की फाइल की जाती है, ठीक है। देर इज नो अदर स्पीडी एंड एफिक्शियस एंड अप्रोप्रिएट रेमेडी अवेलेबल इन द पटिशनर एक्सेप्ट टू इनवोक द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट थ्रू द इंस्टेंट हैबियस कॉर्पस पटिशन, ठीक है। उसके बाद प्रेयर की सदा की जाती है कोर्ट से कि सर इन सारे सर्कमस्टांसेस में इट इज हमली प्रेयर दैट द पटिशन कैन बी एक्सेप्टेड एक्सेप्ट कर ली जाए, और रिस्पोंडेंट नंबर टू
सॉरी नेसेसरी डायरेक्शन मे बी गिवन टू द रिस्पॉन्डेंट नंबर वन एंड मे बी ऑर्डर टू रिकवर द डिटेनी, और उसको रिकवर करने के लिए ऑर्डर जारी किया जाए ताकि वो अपनी माँ के पास आ सके क्योंकि उसकी सेहत ख़राब हो रही है, जो कि हमने फैक्ट्स बयान किए हैं। तो ये सारा कुछ है ना हम प्रेयर क्रॉस में फिर लिखेंगे और उसके बाद फिर वही सारा कुछ आ जाएगा जैसे हमने बताया था, सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो उसके बाद ये था, अगर बच्चा जो है कोई माँ से छीन के ले जाता है बाप छोटी एज का, तो उसके लिए ये 491 की जो है ना ये पटिशन फाइल की जा सकती है सेशन कोर्ट में। तो उसके बाद अब हम एक पटिशन देखते हैं जो कि एक बंदे को कोई पुलिस ने जो है ना वो कस्टडी में रखा हुआ है। तो अब इसमें जो है ना ये एक असद है, सन ऑफ मोहम्मद इमरान अली रेजिडेंट, ये सारा पटिशन का एड्रेस और नाम वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद रिस्पोंडेंट जो है ना SHO है जीनत ब्लॉक इकबाल टाउन और द स्टेट, ठीक है। अब इसमें ये है कि पटिशन अंडर सेक्शन 491 CRPC फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ बेलिफ ऑफ द कोर्ट टू रिकवर द डिटेनी मोहम्मद असलम सन ऑफ मोहम्मद जमान फ्राम द इलीगल कस्टडी कन्फाइनमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर वन। उसके बाद है जी रिस्पेक्टफुली विद दैट मिस्टर मोहम्मद असलम सन ऑफ मोहम्मद इमरान अली इज़ द रियल ब्रदर ऑफ द पटिशनर। मोहम्मद असलम जो है जो कि पुलिस ने डिटेन किया हुआ है पुलिस ने, तो वो मोहम्मद असद जो है ना इसका भाई है और मोहम्मद इमरान का बेटा है। दैट मोहम्मद असलम सन ऑफ मोहम्मद इमरान अली इज द रियल ब्रदर ऑफ पटिशन हु इज डूइंग जॉब इन असिस्टेंट मैनेजर इन ABC IT कंपनी। ABC IT कंपनी में वो काम करता है, मैनेजर है, और फिर जो है ना कंपनी वेंट टू इज ऑफिस एंड डिड नॉट केम बैक टू होम, और अपने घर नहीं आया। पहला फैक्ट ये हो गया, जो पहले बताया था आपको, जो पहला फैक्ट होगा वो पहले लिखेंगे, जो बाद में होगा वो बाद में लिखेंगे। दैट द पटिशनर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ट्राई टू सर्च मिस्टर असलम कॉन्टेक्टेड हिज ऑफिस एंड कोलीग्स एंड इट वॉज टोल्ड दैट मिस्टर असलम केम टू हिज ऑफिस बट लेफ्ट ऑफिस इन इवनिंग 6 बजे। और 6 बजे उसको सारे लोगों से कॉन्टेक्ट किया और पता चला कि वो तो 6 बजे चला गया यहाँ से। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, दैट ऑन नेक्स्ट डे अगले दिन जो है ना फिर 12/11/2021 को पटिशनर रिसीव्ड कॉल फ्रॉम पुलिस स्टेशन जीनत ब्लॉक इकबाल टाउन एंड वॉज इन्फॉर्म दैट हिज ब्रदर इज़ इन कस्टडी इज़ इन देयर कस्टडी। और पुलिस का फोन आया कि आपका ब्रदर हमारी कस्टडी में है, ठीक है। उसके बाद है जी दैट द पटिशनर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स वेंट टू पुलिस स्टेशन जीनत ब्लॉक इकबाल टाउन वेयर पटिशनर ब्रदर वॉज प्रेजेंट, और जो उनका भाई जो है वहाँ पर मौजूद था। दैट द पटिशनर एंड अदर इंक्वायर्ड दैट वाई एंड इन वट केस पटिशनर ब्रदर्स हैज़ बीन डिटेन इन पुलिस स्टेशन बट द पुलिस ऑफिशल्स डिड नॉट शो एनी FIR एंड डिमांडेड 2,75,000 पर उन्होंने डिमांड किया, 2,75,000 हमें दे तो हम इसको छोड़ देंगे। ये करते हैं इस तरह से पुलिस वाले। उसके बाद अगला ये पॉइंट है दैट द अरेस्ट कन्फाइनमेंट ऑफ द ब्रदर ऑफ द पटिशनर इज इलीगल अनलॉफुल एंड अगेंस्ट ऑल कैनन ऑफ जस्टिस, इस कानून के सारे जितने भी असूल हैं उनके खिलाफ है। तो लिहाजा इसके खिलाफ जो है ना पटिशन लेके आए हैं और इसको रिहा किया जाए। कि कौन से ग्राउंड पे, वो ग्राउंड्स पर आके हमने लिखने हैं दैट द पुलिस ऑफ द जीनत ब्लॉक इकबाल टाउन हैज़ नॉट अडॉप्टेड द लीगल प्रोसीजर ऑफ द टेकिंग इन कस्टडी ऑफ ब्रदर ऑफ द पटिशनर। उन्होंने कोई लीगल वे अख्तियार नहीं किया, ना कोई केस बनाया, ना कोई FIR काटी है, ना कोई बगैर अरेस्ट के ऐसे डिटेन करके उसको रखा हुआ उन्होंने पुलिस में, और ये पुलिस रूल्स की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो। उसके बाद अगला ग्राउंड है दैट द पुलिस ऑफिशल्स ऑफ द पुलिस स्टेशन जीनत ब्लॉक इकबाल टाउन टुक इन टू देयर लीगल कस्टडी ऑफ द डिटेनी विदाउट इलीगल कस्टडी ऑफ द डिटेनी विदाउट एनी रीजन एंड विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस। उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं है और इलीगली डिटेन करके उसको रखा हुआ है उन्होंने जेल में, थाने में उसको पुलिस वाले ने इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है। दैट एज योर ऑनर इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट फ्री हैंड कैन नॉट बी ग्रांटेड टू पुलिस टू अरेस्ट इवन अ क्रिमिनल विदाउट एनी लीगल एंड फैक्चुअल जस्टिफिकेशन। अब फैक्चुअल जस्टिफिकेशन के बगैर तो किसी क्रिमिनल को भी नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, और ये तो मेरे भाई ने कोई क्राइम ही नहीं किया हुआ, तो ये पुलिस वाले इसको उठा के ले गए हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट में लिखना है हमने कि दैट द डिटेंशन ऑफ द डिटेनी बाय द पुलिस इज़ विदाउट एनी केस हैविंग बीन रजिस्टर्ड इज़ इलीगल। और केस किए बगैर ही, रजिस्टर्ड किए बगैर ही उसको डिटेन किया हुआ, जो कि बिल्कुल इलीगल है। उसके बाद अगला जो है फैक्ट है दैट द ऑफर मैंशन डिटेनी हैज़ नॉट बीन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स सिंस द अरेस्ट। और उसको 24 घंटे में अदालत के सामने पेश करना था उसको, जो कि अभी तक नहीं किया गया। द डिटेनी हैज़ नॉट बीन डेल्ट विद द कॉर्डेस ऑफ द लॉ, उसको लॉ के मुताबिक डील नहीं किया जा रहा, नहीं किया गया अभी तक।
एंड द कस्टडी ऑफ द डिटेनी बाय द रिस्पोंडेंट आर्बिट्री कैप्चर एंड इलीगल कन्फाइनमेंट। और ये इलीगल कन्फाइनमेंट है, लिहाजा हम इसलिए इसकी चाहते हैं कि इसको रिहा किया जाए। और आगे फिर प्रेयर क्लॉज में हम लिखेंगे दैट इन आखिरी फैक्ट है दैट इट इज़ द एक्सपेंडिटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट द प्रोडक्शन ऑर्डर ऑफ द अपर मेंशन डिटेनी मे काइंडली बी इशूड एंड मे बी एंड ही मे बी सेट एट लिबर्टी। उसको प्रोडक्शन ऑर्डर दिया जाए कि उसको सामने पेश किया जाए उसको, ताकि उसको सेट एट लिबर्टी उसको छोड़ा जा सके, ठीक है। उसके बाद आगे प्रेयर क्लॉज में हम लिखना है इट इज़ देयर फॉर रिस्पेक्टफुली प्रेयर दैट द बेलिफ मे काइंडली बी अपॉइंटेड टू द रिकवरी ऑफ द डिटेनी नेमली मोहम्मद असलम फ्राम द इलीगल कस्टडी ऑफ द रिस्पॉन्डेंट नंबर वन एंड द डिटेनी मे वेरी बी ग्रेसली टू सेट एट लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ताकि इसको जो है ना, हमारी प्रेयर क्लॉज में ये कह रहे हैं कि हम बेलिफ जारी किया जाए ताकि मेरे भाई को अदालत में पेश किया जा सके और उसके बाद फिर उसको छोड़ा जा सके, ताकि कानून के मुताबिक जो है ना सारा एक अमल प्रोसीजर अमल में लाया जाए। तो ये जो है ना, ये एक इलीगल डिटेंशन बाय पुलिस था, एक केस ड्राफ्ट किया था हमने, उसके ऊपर जो है ना हमने इलीगल डिटेंशन बाय जो है एक बाप ले गया था बच्चे सकलिंग बेबी को। तो मैं फिर इसका समराइज करके बता देता हूँ कि हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि यू मे हैव द बॉडी, आपके पास बॉडी है, शॉर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए होता है, 24 घंटे के लिए जो है ना, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने जो है वो कोर्ट में पेश करना था। आफ्टर 24 आवर्स वो इलीगल हो जाएगी डिटेंशन। और इम्प्रॉपर डिटेंशन वो होती है कि वो बाप जो है बच्चे को ले जाए, वो इलीगल तो नहीं होगा लेकिन वो इम्प्रॉपर डिटेंशन होगी, क्योंकि बाप जो है वो एक हक है उसका, लीगल बाप है उसका, तो वो लेके जाएगा तो वो नहीं होगी इलीगल डिटेंशन, नहीं होगी वो इम्प्रॉपर होगी। अगर कोई बाप का कोई और रिश्तेदार ले जाए तो फिर वो इलीगल हो जाएगी। तो इसके लिए जो फॉर माइनर होता है और गार्डियन कोर्ट से लिए वो टेम्प्रेरी होती है, और गार्डियन कोर्ट के लिए हमने परमानेंट लेनी होती है। फिर फोरम इसके मैंने बताया था आपको, हाई कोर्ट सेशन जज हैं, सेशन कोर्ट हैं, हाई कोर्ट ने पावर्स डेलीगेट कर दिए हैं सेशन कोर्ट को, और अंडर सेक्शन 100 CRPC के जरिए सर्च वारंट जो है ना जारी कर सकता है मजिस्ट्रेट, और कुछ नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल देखी थी, कोई सर्वेंट को अगर किसी ने किया है, एक पर्सन इलीगली और डिटेन है जैसे पुलिस बताया, और कोर्ट फिर उसको सारा कुछ देखने के बाद उसको रिलीज़ कर देगी। फिर हमने देखा कि 199 जो है ना वो जो है डिटेल के लिए, अगर डील करना है केस चलाना है तो फिर इसलिए, और अगर डिस्ट्रिक्ट के लिए तो सेशन और हाई कोर्ट प्रोवेंशन के लिए है सारा कुछ। और ऑर्डर फिर क्या क्या कोर्ट दे सकती है कि उसको कोर्ट सम ब्रॉड बिफोर द कोर्ट एंड डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको डील किया जाए अकॉर्डिंग टू लॉ डील किया जाए। अगर पुलिस या इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है ना वो इसको ले गई हैं प्रॉपर इम्प्रॉपरली डिटेन किया हुआ है, तो फिर भी जो है ना वो उसको लिए हम पटिशन दायर कर सकते हैं। फिर आगे हमने दो पटिशंस देखी। तो इस तरह से जो है ये मैं इसकी आपको कॉपी जो है ना सॉफ्ट कॉपी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग इसको यूज़ कर सकें कोर्ट में केस के लिए, फाइल कर सकें जो भी करना चाहे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।